बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, कि पार्टनर का कैपिटल कैसे आप लोगों को मेंटेन करना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास दो मेथड हो सकती है, आपको दो तरीके से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ सकता है। एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बेसिकली दोनों में सबसे पहली बात तो डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है बिजनेस में पहले का या एडिशनल कैपिटल, सिर्फ उसका ही हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और बाकी फिर पार्टनर को जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या अगर ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या बाकी और भी एडजस्टमेंट्स है तो वो एडजस्टमेंट हम उनके लिए अलग से उनका एक करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें दो चीजें प्रिपेयर करना पड़ सकता है, एक तो उनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ सकता है और उनका करंट अकाउंट। तो इस दोनों अकाउंट में ज्यादा एक्टिवेट ये अकाउंट रहेगा, सारे जो भी उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो चाहे सैलरी से रिलेटेड हो उनके पार्टनर के, कमीशन से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट से रिलेटेड हो या फिर उनके ड्रॉइंग से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो सारा करंट अकाउंट। तो मोस्ट एक्टिवेट अकाउंट होता है अगर हम बात करें ये। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो यहाँ ऐसे कोई दो अलग से आपको अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है। आप लोगों को एक सिंगल कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करना है जो कि कॉम्बिनेशन रहेगा किस चीज का, आपके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को मिक्स कर दे तो आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड कहलाता है। यानी कि अगर आप लोगों ने फिक्स्ड मेथड सीख लिया है तो फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको बहुत कुछ स्पेशल नहीं करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, क्या फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये दो अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली हम पहले बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो होता क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यहाँ पर मतलब क्या है, ये आपके डेबिट साइड हो गया और क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स ने ओवरऑल बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया है उसका टोटल, इस ईयर एंडिंग पर उसका टोटल कितना कैपिटल उस फर्म में या उस बिजनेस में लगा हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और क्रेडिट साइड। तो ये जो क्रेडिट साइड है क्या डिनोट करता है, कि पार्टनर ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और डेबिट साइड क्या डिनोट करता है, उन्होंने बिजनेस से उतने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। तो पार्टनर्स के क्रेडिट और डेबिट का जो नेट बैलेंस निकलेगा ये आपको बताएगा कि अभी प्रेजेंट पार्टनर्स का कितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है। तो शुरुआत करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड से, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, बिकॉज ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो अगर हम बात करें इसके वो क्रेडिट साइड की तो बाय बैलेंस पीटी, मतलब ये क्या शो कर रहा है, आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, यानी जो आपके पास पहले से कैपिटल था या पिछले साल की एंडिंग में जितना कैपिटल था वो इस साल के ओपनिंग में आपका आ जाएगा। बट अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो नॉर्मली जो बाय बैलेंस पीटी है, जो ओपनिंग बैलेंस है, आपने जो इनिशियली इन्वेस्ट किया होता है वो बैलेंस होता है। देन उसके अलावा बाय कैश या बैंक या फिर असेट्स, यानी आप किसी भी तरीके से अगर आप और एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, क्रेडिट साइड आपके कैपिटल साइड को डिनोट करता है, आपका अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है तो आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। तो अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस करवाया है बिजनेस में तो वो भी आपको कहाँ लेना है, क्रेडिट साइड में। या अगर आपने कोई एसेट्स लगाया है बिजनेस में, अगर आपने कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर या कोई व्हीकल्स अगर आपने बिजनेस को प्रोवाइड की है तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना पड़ेगा। तो ये बात हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड की, ओपनिंग बैलेंस, उन्होंने जितना एडिशनल कैपिटल लगाया है और उन्होंने जितना एसेट्स प्रोवाइड किया है। बात करें डेबिट साइड की तो उन्होंने जितना कैपिटल विड्रॉ कर लिया, कैपिटल विड्रॉ किया, पर्सनल चीजों के लिए कोई पैसे विड्रॉ नहीं की, कैपिटल विड्रॉ किया, यानी कि उन्होंने अपना कैपिटल निकाल लिया। तो भाई जितना उन्होंने अपना कैपिटल विड्रॉ कर चुका है उतने से उनका कैपिटल कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस है हम यहाँ पर प्लस माइनस ना करते, क्योंकि हम अकाउंट पढ़ रहे, प्लस माइनस ना करते उन्हीं चीजों को हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब उन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो हमने उसे कहा कि वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और जब वो बिजनेस से उतने पैसे विड्रॉल कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, हमारा डेबिट बैलेंस है। मतलब कि उतना पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएगा, कम।
पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा था तो हम कौन से साइड में लिख रहे थे, क्रेडिट साइड में, और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो कौन से साइड में आना चाहिए, डेबिट। फिर इस अकाउंट में इतना ही आएगा, आपको फिर इसकी क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, और ऑब्वियस है कि इसमें कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता। क्यों? पर भी आपके पास जितना कैपिटल अवेलेबल रहेगा उतना ही तो विड्रॉ कर पाओगे, आप एक्सेस कर पाओगे विड्रॉ, इसलिए कभी भी यहाँ पर ऑलवेज जो बैलेंस आएगा आपका वो कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो ये बैलेंस क्या डिनोट करता है कि अभी भी आपके बिजनेस में आपका इतना पैसा लगा हुआ है, वही फिर आपका दिन नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कौन सा अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट। अब हम अगले अकाउंट की बात करें, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट की बात करें, सॉरी अगर हम बात करें पार्टनर्स के करंट अकाउंट, नाम से समझ में आ रहा है करंट अकाउंट मतलब कि चालू खाता। अच्छा कैसे चालू है, चलता है नहीं, यहाँ पर हम इसे करंट अकाउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उस पार्टनरशिप फॉर्म में वो सारे हम इस अकाउंट में मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर हम अगेन पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इट मे बी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, इट मे बी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, यहाँ ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि डेबिट बैलेंस ही छूंगा या क्रेडिट बैलेंस ही होगा। जैसा कैपिटल अकाउंट में 99.99% टाइम क्या रहता है, या यू कहो 100% टाइम क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस, बट करंट अकाउंट में ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। तो अगर हम बात करें इसके भी क्रेडिट साइड से, अगर हम शुरुआत करें तो क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी और आप लोगों को कौन कौन सी चीजें लेना है, तो आप लोगों को ऐसे हेड्स लेना है जिसकी वजह से उस पार्टनर के पास पैसे आ रहे हैं। अगर पार्टनर को उस किसी भी वजह से अगर पैसे मिल रहे हैं, अगर वो पार्टनर के लिए इनकम हो रही है, तो उस पार्टनर के आप करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। जैसे कि अगर आप लोगों के पास, अगर आप सपोज पार्टनर हो, जैसे यहाँ पर मैंने दो पार्टनर लिया एक्स वाई, इधर भी मैंने दो पार्टनर लिया था एक्स वाई, तो अगर सपोज दो पार्टनर एक्स वाई, उनका अगर पहले से कोई अगर बैलेंस है करंट अकाउंट का, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट साइड में शो करोगे, और अगर उनका डेबिट बैलेंस हो तो फिर डेबिट साइड में शो किया जाएगा। जो भी बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो उनका करंट अकाउंट में तो क्रेडिट साइड शो करना, डेबिट बैलेंस हो डेबिट साइड शो करना। सर ऐसा हो सकता है क्या, एक्स का क्रेडिट बैलेंस हो वाई का डेबिट बैलेंस हो? हाँ ये भी पॉसिबल है, एक्स का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर वाई का डेबिट बैलेंस है तो वाई के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस की जानकारी दी रहेगी कि करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है। हम अब आगे बात करें कि अब क्रेडिट साइड में अब कौन कौन से हेड आते हैं और क्यों आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना पार्टनर ने कैपिटल लगाया है बिजनेस में उसके ऊपर उसे कुछ तो भी फिक्स्ड रेट से जो पार्टनरशिप डील या अग्रीमेंट में डिसाइड किया जाता है उसके हिसाब से उन्हें उतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है उनके करंट बैलेंस को बढ़ाता है, या यू कहूँ उनके कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए हम क्या करते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि इतने इंटरेस्ट के पैसे पेएबल है, देना है किसे, पार्टनर को देना है, तो ये पार्टनर के लिए इनकम है, हम उनके कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। वैसे ही सैलरी टू अगर पार्टनर की बात करें, अगर कोई ऐसा एक्टिव पार्टनर कोई वर्क कर रहा है तो उसे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो सैलरी भी उस पार्टनर के लिए क्या है, इनकम। वैसा ही अगला हेड है आप लोगों के लिए बाय कमीशन टू पार्टनर, अगर वो पार्टनर एज एन एजेंट अगर वर्क कर रहा है हमारे साथ उसको कमीशन दिया जाएगा पर्टिकुलर किसी वेंचर के लिए, तो वो भी उनके लिए इनकम है। या नेट प्रॉफिट जो आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वो भी पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर उनका कोई अग्रीड रेशियो है तो अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रॉफिट, और अगर कोई अग्रीड रेशियो नहीं है तो वैसे सिचुएशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको सम अप करके क्रेडिट साइड की सारी बातें बताऊं, तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितने भी पैसे पार्टनर को मिलने वाले हैं, जो पार्टनर की इनकम होने वाली है, वो सारी चीजें आप कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर अब हम बात करें डेबिट साइड की, तो ऑब्वियस है डेबिट साइड में क्या चीजें आएंगी, ऐसे बैलेंस जो पार्टनर के कैपिटल को कम करते हो या पार्टनर्स के जो क्रेडिट बैलेंस है उनको कम करते हो।
जैसे कि अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस था पार्टनर के, मतलब शायद पार्टनर ने एक्सेस पैसे ले रखा है अपने फर्म से, वो जैसे बैंक ओडी शो होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट में जैसा डेबिट बैलेंस होता है, वैसे ही करंट अकाउंट में भी पार्टनर के डेबिट बैलेंस हो सकता है अगर उन्होंने कोई एक्सेस अमाउंट पहले से ले रखा है तो। उसके अलावा ड्रॉइंग की अगर हम बात करें, ड्रॉइंग मतलब क्या, पर्सनल यूज के लिए आपने बिजनेस से या तो कैश या तो गुड्स कुछ तो भी क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो वो चीजें। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्रॉइंग की वजह से आपका क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस से उतने चीजें निकाल लिया है तो उसका बैलेंस क्या हो रहा है, कम, इसलिए डेबिट साइड। उसके बाद अगला एक की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसा उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है तो उनके लिए इनकम होती है, वैसा ही वो अपने ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उनके लिए ये एक्सपेंसेस होता है जो उनके करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को क्या करता है, कम करता है। जिस तरीके से उन्हें प्रॉफिट में से शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसी तरीके से उनके लॉसेस को भी एडजस्ट करवाया जाता है, उनका जो भी लॉस होता है वो लॉस भी उनको आपस में बियर करना पड़ता है, आपस में सफर करना पड़ता है। फिर ये बनने के बाद लगभग पॉसिबल इतनी ही चीज आती है अगर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो। फिर उसके बाद अगेन एज यूजुअल क्या करना है आपने, बैलेंसिंग, इधर भी आपको एज यूजुअल क्या करना था, बैलेंसिंग करना था, और करंट अकाउंट में भी आपको एज यूजुअल बैलेंसिंग करना है। होप्स वो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा अभी तक के, जिसको नहीं आया होगा एक बार फिर से सुन सकते हो। अब आप बैलेंसिंग कैसे करोगे, तो सिंगल सिंगल पर्सन की बैलेंसिंग करोगे। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग बैलेंसिंग करने में कंफ्यूज हो जाए क्योंकि अभी तक आप सिंगल अमाउंट के कॉलम के बैलेंसिंग करते थे, यहाँ आप दो दो पार्टनर है या हो सकता है तीन पार्टनर आ जाए, चार पार्टनर आ जाए, तो कैसे बैलेंसिंग करोगे। जैसे ये अगर आपको वाई का बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो सिर्फ आप वाई की क्रेडिट की टोटल देखोगे, वाई के डेबिट की टोटल देखोगे, वाई का क्रेडिट ज़्यादा है, वाई का डेबिट ज़्यादा है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है मतलब बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में, जिसे हम क्या नाम देते हैं, क्रेडिट बैलेंस। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो फिर बैलेंस किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डेबिट बैलेंस। वैसा ही सेम एक्स के लिए, अगर एक्स का क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस किधर निकलेगा, डेबिट साइड में, और अगर डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये जो बैलेंस आता है फिर इसी बैलेंस को क्या कर दिया जाता है, ब्रॉट डाउन कर दिया जाता है। तो ये क्या है आप लोगों का, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट, अंडर विच मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको दोनों चीजें मेंटेन करनी पड़ सकती है। अब हम सेकेंड इसकी बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो मैं आपको अलग से इसका फिर से फॉर्मेट लिखकर नहीं समझा रहा हूँ। करना क्या है इसमें आपको, जो आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है और करंट अकाउंट बनाया है दोनों को बस मिक्स कर देना है। ये जैसे ये हेड है बस इधर के क्रेडिट कार्ड सारे इसी के साथ जोड़ के लिख देना, इधर के डेबिट कार्ड सारे इसके साथ जोड़ के लिख देना, आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो ये था आपका ओवरऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब हम अगले इसमें चर्चा करेंगे बैलेंस शीट, पार्टनरशिप हमने कैसे बनाई।